आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भर्ती घोटालों पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम का धमाकेदार बयान। विधानसभा की फर्जी नियुक्ति पर बोले तीरथ सिंह रावत, जो कहा उसे सुनकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के उड़ जाएंगे तोते। जी हां, विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सनसनीखेज बयान दिया है। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर जिस तेजी से वायरल हो रहा है, उसी रफ्तार से वर्तमान वित्त मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा में हुई फर्जी भर्तियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर विधानसभा में कांग्रेस के अध्यक्षों ने भ्रष्टाचार किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। जनता ने हमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए भेजा है। हमारे लिए पहले देश सर्वोपरि है, उसके बाद जनता, फिर पार्टी और तब कहीं जाकर नेता की बारी आती है। सुनिए तीरथ सिंह रावत ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को लेकर क्या कहा है। यदि इस तरह की जो नियुक्तियां हुई हैं, आपने कहा कि विधानसभा के अंदर, और आपने कहा कि फलाने मंत्री फलाने ने कहा कि ये किया, गलत किया, उन्होंने ठीक है, यदि उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कि पहले वालों ने कहा, मैं एक बार अंतर कर दूं, हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया भ्रष्टाचार, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं, और जिसने जिन्होंने किया वो उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन मेरा पार्टी का मत नहीं है। ये मेरा पार्टी का मत स्पष्ट है कि मैं अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता हूं। मेरे सामने तो पहले देश है, उस देश की सुरक्षा रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और उसके बाद मेरी जनता है, और जनता के तीसरे पार्टी है, पार्टी के बाद फिर उसके बाद नेता है, कहीं नहीं आता। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और भूला है तो वो भुगतेगा, और भुगतना भी चाहिए। तो इतना ही नहीं, तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच पीटनी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। तो सुना आपने, पूर्व सीएम और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई किसी भी फर्जी भर्ती से भाजपा सरकार और संगठन का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। अब अगर किसी ने गलत किया है तो उसे कटघरे में खड़ा होना ही होगा। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच चल रही है। उधर कांग्रेस ने अपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से इसी मुद्दे पर दूरी बना ली, और अब यहां भाजपा ने प्रेमचंद अग्रवाल से दूरी बना ली है। तो क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करेगी भाजपा, इस पर आप सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।